अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल नेवी नेक्स। और आज हम सीखेंगे पुरानी बंद गाड़ी को स्टार्ट कैसे करें। ये गाड़ी तकरीबन एक साल से खड़ी हुई थी, तो एक बंदा लेके आया, इसको स्टार्ट करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये आप गाड़ी देख सकते हैं वीडियो में, ये एक साल से बंद पड़ी हुई थी, कितनी धूल मिट्टी लगी हुई है। अभी हम उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका खोलेंगे कार्बोरेटर। कार्बोरेटर के बोल्ट होते हैं 10 mm के, 10 mm दो लगे होते हैं। अभी ये खोलेंगे एक्सीलेटर। कार्बोरेटर बाहर निकाल लिया। पहले इसको बाहर से मिट्टी निकालेंगे, मिट्टी क्लच तार से, पुरानी क्लच वायर से इसकी पहले निकालेंगे मिट्टी बाहर से, क्योंकि काफ़ी टाइम की बंद पड़ी हुई थी, इसलिए इस तरह। क्लच वायर से साफ कर लिया, अभी पेट्रोल से वॉश करेंगे। पहले इसके खोलेंगे स्क्रू, चार मुख्य बचके स्क्रू खोलेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसमें कितनी मिट्टी है, कचरा है, बिल्कुल जंग पड़ा हुआ अंदर, जंग, क्योंकि ये एक साल से खड़ी हुई थी घर पे, बंदे के घर पे खड़ी हुई थी। देखो कितना कचरा निकल रहा है। ये कह रहे थे कार, ये फ्लूट पिन होती है, और ये होते हैं फ्लूट कार्बोरेटर के, फ्लूट कह रहे थे फ्लूट। इसमें दो लगे हुए होते हैं जेट, एक होता है मेन जेट और ये वाला, ये मेन जेट है, और एक होता है स्लो जेट। ये वाला, ये कह रहा है स्लो जेट, ये इसका कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर। पेट्रोल से इसको वॉश करेंगे अच्छी तरह।
ये देखिए इसका कार्बोरेटर हमने वॉश कर लिया। अभी इसके साफ वॉश करेंगे जेट। ये दोनों जेट हमने वॉश कर ली। अभी वॉश करेंगे फ्लूट्स, इसको बोलते हैं कार्बोरेटर फ्लूट। अभी हम फिटिंग करेंगे, कार्बोरेटर वॉश हो गया, अभी फिटिंग स्टार्ट करेंगे। पहले पहले लगाएंगे स्लो जेट, स्लो जेट बंद करेंगे पहले, उसके बाद लगाएंगे मेन जेट। ये इसका मेन जेट है। अभी लगाएंगे फ्लूट्स, ये इसके फ्लूट हैं। ये फ्लूट्स लॉक होती है। ये कहलाते कार्बोरेटर फ्लूट चेबर, मैंने बताया था इसमें दो लगे होते हैं स्क्रू। अभी वो टाइट करेंगे स्क्रू चार मुंह के पेचकस से। ये इसकी सील लगी होती है, सील। कार्बोरेटर फिट करेंगे, अभी कार्बोरेटर फिटिंग करेंगे। फिटिंग ये होती है कार्बोरेटर हड्डी। ये इसके दो बोल्ट लगे होते हैं जो मैंने बताया था 10 mm के होते हैं। ये लगाएंगे अभी एक्सीलेटर, कार्बोरेटर एक्सीलेटर। अभी कार्बोरेटर में थोड़ा पेट्रोल डालेंगे क्योंकि इसकी टैंकी खराब है, तो हमने पेट्रोल अलग से डालने बाहर से एक बोतल के जरिए। पेट्रोल डाल लिया, अभी हम खोल के खोलेंगे प्लग, क्योंकि काफ़ी टाइम की खड़ी हुई है, प्लग खोलना ज़रूरी है। प्लग का होता है स्पिनर 16 mm का, 16 mm। अभी चेक करेंगे करंट और चेक करेंगे प्रेशर प्लग का, प्रेशर सही आ रहा है, यानी कि इसके वॉल वगैरह सही काम कर रहे हैं। प्लग साफ करेंगे पुरानी क्लच वायर से।
प्लग को थोड़ा पेट्रोल से वॉश करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम की बाइक खड़ी हुई है, इसलिए वॉश करना ज़रूरी है। अभी प्लग बंद करेंगे, अभी बाइक स्टार्ट करेंगे। अभी बाइक स्टार्ट हो गई, ये देख सकते हो इसकी हेडलाइट जल रही, यानी बाइक स्टार्ट है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए विज़िट करें नेवी नेक्स्ट 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।